वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आलोक शर्मा ने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत बनाया रिकॉर्ड, बोले मोदी मैजिक का असर। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शर्मा को 9,81,109 वोट मिले, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट अरुण श्रीवास्तव को 4,89,610 वोट प्राप्त हुए। बता दें कि 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को 3,64,822 वोटों से मात दी थी। मुरैना में बीजेपी के शिवमंगा सिंह तोमर 50,000 वोटों से जीते। मुरैना से बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगा सिंह तोमर ने जीत हासिल की। शिवमंगा सिंह तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल नीटू सिकरवार को 50,000 वोटों से हराया। इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करने पहुंचे थे। कांग्रेस प्रत्याशी नीटू सिकरवार के लिए प्रियंका गांधी ने जनसभा की थी। उज्जैन सीट में बीजेपी को मिली बड़ी जीत। उज्जैन लोकसभा सीट पर बीजेपी के अनिल फिरोजिया ने जीत हासिल की। अनिल फिरोजिया ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार को 3,75,000 से अधिक मतों से हराया। उज्जैन लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी की पकड़ रही। मंडला के लोगों ने फिर कुलस्ते पर जताया भरोसा। आदिवासी सीट मंडला लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल की। इस सीट से कुलस्ते ने 7वीं बार जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 1,03,000 से अधिक मतों से पराजित किया। गौरतलब है कि मंडला सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते साल 1996 से लगातार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। 29 कमल के फूलों की माला पीएम को भेज करेंगे सीएम। डॉक्टर मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेने के बाद वे पहली परीक्षा में कामयाब हुए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 कमल के फूलों की माला भेंट करेंगे। नव भाजपा के शंकर लालवानी 11,75,000 वोटों से जीते। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को वोटों की गिनती शुरू होने के बाद जब लोगों की निगाहें एक एक सीट के उतार चढ़ाव पर टिकी थी, तब इंदौर ऐसे 3 रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए वोटों की गिनती कर रहा था जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहले नहीं बने थे। नई एनडीए सरकार में शिवराज सिंधिया का मंत्री बनना तय। लोकसभा चुनाव में भाजपा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश से दिग्गज नेताओं को नई केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी चर्चा में आगे है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी ली, बोले इंडिया गठबंधन पर जनता ने जताया भरोसा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिकस्त मिली, इसकी जिम्मेदारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ली। उन्होंने कहा कि देश ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति का शानदार जनादेश। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति को शानदार जनादेश दिया है। प्रदेश से 6 महिला सांसद चुनी गई। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। नर्मदापुरम सीट पर भाजपा का कब्जा। दर्शन सिंह ने कांग्रेस को 4,31,696 वोटों से हराया। होशंगाबाद में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। होशंगाबाद लोकसभा में एक बार फिर से भाजपा ने जीत का परचम लहराया। भाजपा के दर्शन सिंह चौधरी ने कांग्रेस के संजय शर्मा को करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि दर्शन सिंह के करियर का ये पहला चुनाव था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय शर्मा को करारी शिकस्त दी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने फिर जताया भाजपा पर भरोसा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने भाजपा पर भरोसा जताया। लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों के अतिरिक्त बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट ऐसी हैं जहां आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका में हैं। आजादी के बाद पहली बार भाजपा ने मध्य प्रदेश में जीती 100% सीटें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही स्वयं को गैर राजनीतिक संगठन कहता है मगर उसकी राजनीतिक ताकत एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आए लोकसभा चुनाव परिणामों में दिखी। मध्य प्रदेश में संघ ने सत्ता और संगठन के साथ मिलकर कुछ इस तरह से काम किया कि राज्य की 29 में से 29 सीटें भाजपा ने जीती। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता भी यहां अपना गढ़ नहीं बचा पाए।
कठिन सीटों पर पीएम मोदी ने एक माह में की 8 जनसभाएं। प्रदेश के सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य तो भाजपा ने विधानसभा चुनाव की ठीक बाद बना लिया था। प्रत्याशियों की घोषणा से लेकर प्रचार में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे रही। कांग्रेस के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर कुल 7 सभाएं की, जबकि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनसभाएं और 2 रोड शो किए। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता गामिनी के एक शावक की मौत। कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से बुरी खबर सामने आई है। 3 माह पहले मादा चीता गामिनी के द्वारा जन्मे 6 शावकों में से एक शावक की मौत हो गई। मृत शावक मां के पास पड़ा मिला। कूनो वन मंडल के DFO थिरुकुरल आर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कारणों का पता चल सकेगा। झूठा निकला पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ 10 लाख की लूट का मामला। ग्राम माफ्ता स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर नीलेश राठौर से बैंक में रुपए जमा कराने जाते समय 4 बदमाशों के द्वारा लाखों रुपए लूटने का मामला झूठा निकला। पुलिस ने मामले की जांच कर 12 घंटे के भीतर आरोपित नीलेश के द्वारा गढ़ी गई झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। नीलेश के साथ लूट की वारदात नहीं हुई, बल्कि उसने अमानत में खयानत व धोखाधड़ी करने के लिए अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी। देश की अदालतें अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ईमेल व्हाट्सएप से भी भेजेंगी नोटिस समन। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतें 1 जुलाई 2024 से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से नोटिस समन भेजेंगी। इस प्रक्रिया में संबंधित आरोपित या पक्षकार के ईमेल और व्हाट्सएप सहित अन्य माध्यम शामिल होंगे। ये नवाचार कोर्ट के वर्क कल्चर को स्मार्ट बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अडानी के फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री, इस दिग्गज बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड। अलग अलग कारोबार क्षेत्र से जुड़े अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल सेक्टर में भी कदम रख दिया है। समूह ने ICICI बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की। समूह की इकाई अडानी वन और ICICI बैंक ने वीजा के साथ मिलकर हवाई अड्डे से जुड़े फायदों वाले देश का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश जारी। EPFO की तरफ से पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि 1/1/2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिश के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होता है वैसे ही ग्रेच्युटी की दर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपये हो जाएगी। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर में वर्षा के आसार। दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में मॉनसून ने तय समय से 5 दिन पहले मंगलवार को गोवा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। उसे आगे बढ़ने के लिए बंगाल की खाड़ी के साथ ही अरब सागर से भी अच्छी ऊर्जा मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा स्थिति को देखते हुए मॉनसून 10 से 12 जून तक प्रदेश में दस्तक दे सकता है। राहुल गांधी ने कहा, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले प्री मेच्योर शिशुओं में बढ़ रहा अंधेपन का खतरा। समय से पहले पैदा होने वाले बच्चों की आंखों के पर्दे का विकास ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने के कारण ठीक से नहीं हो पा रहा, इससे उनमें अंधेपन का खतरा बढ़ रहा है। ग्वालियर जिला अस्पताल में पिछले 3 माह में 35 प्री मैच्योर बेबी की जांच की गई। इसमें 3 नवजातों की आंखों के पर्दे का विकास पूरा नहीं मिला। खंडवा संसदीय सीट से भाजपा के ज्ञानेश्वर जीते। खंडवा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के नरेंद्र पटेल को भले ही बड़े अंतर से हराकर चुनाव जीत लिया हो, लेकिन उन्हें अपने गृह जिले में हार का सामना करना पड़ा। संसदीय सीट में शामिल बुरहानपुर जिले के 2 विधानसभा सीटों नेपानगर और बुरहानपुर में से भाजपा को बुरहानपुर सीट में हार का सामना करना पड़ा है। आज भारतीय टीम करेगी T20 विश्व कप के अभियान की शुरुआत। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। भारतीय टीम को हालांकि अभी अपना पहला मुकाबला खेलना है। भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलकर इस साल की T20 वर्ल्ड कप में आगाज करेगी, लेकिन अब सवाल यह है कि टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। इस बीच कौन कौन से खिलाड़ी आज के मैच में खेलते नजर आएंगे, ये जानना दिलचस्प होगा। 53 रूपये पर जाएगा ये एनर्जी शेयर। खरीदने की लगी लूट, एक्सपर्ट बोले बढ़ेगा भाव, खरीदो।
शेयर बाजार में गिरावट के बीच आज शुरुआती कारोबार में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर्स में लोअर सर्किट लग गया। बीएसई पर सुजलॉन एनर्जी का शेयर 49.99 रुपए के पिछले बंद स्तर के मुकाबले आज बढ़त के साथ 52.19 रुपए पर खुला। ये इसका 52 वीक का हाई प्राइस भी है। राजगढ़ में दिग्विजय की करारी हार, 142,141 वोट से हारे। मध्य प्रदेश में राजगढ़ की लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर थी। वो 3 दशक बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।